हेलो रजनीश, जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, और आई डोंट नो, आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है मेरा फॉर व्हाट रीज़न, बट जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इंटरव्यू के करीब पहुंचते जाएंगे। आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस, जिनको आपने साउथ फिल्म्स में देखा है काफ़ी बार, हाल ही में आपने उनको मुझसे शादी करोगे में भी देखा है, और आई जस्ट होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इंटरव्यू किसका लेने वाली हूँ आज आपको पता चल जाएगा, बस कुछ देर और आपको वेट करना है, और जैसे ही ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आई डोंट नो, आज ज्यादा लोग, आज लाइव इंटरव्यू होने वाला है संजना गलरानी का। संजना गलरानी आज हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में जुड़ने वाली हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट आज बहुत स्लो, उनको देखा है मुझसे शादी करोगे के घर में, तो जैसे ही संजना लाइव कुछ आपको खाने के मीट लिए दो। करेगी वो हमारे साथ जुड़ेंगी। हेलो गॉर्जियस, हाय डार्लिंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम फैंटास्टिक, बॉम्बास्टिक, एकदम मस्त। मैं जब से आई हूँ, मुझे मैं दूसरी बार मैं एक्चुअली लाइव आई, कुछ नेटवर्क का इशू था, एंड आते ही तुरंत अरे वेरे संजना, वेरे संजना, मैंने कहा रुको मुझे मार के भगाओ क्या, रुको आ रही है वो, 2 मिनट तो दो। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर थैंक दैट यू लव एंड सो मच रिस्पेक्ट। फॉर दैट रिस्पेक्ट, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। सो सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझसे शादी करोगे का, जब से आप बाहर निकली हैं, किस तरह का एक लव एंड सपोर्ट मिल रहा है आपको अरे सबसे? यार, बहुत लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, बट सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मिल रहा है, क्योंकि क्वारंटाइन की वजह से शो बंद हो गया कोरोना की वजह से। तो अभी ढकेल दिया है सबको घरों के अंदर, तो जो भी प्यार मिल रहा है, ढेर सारा प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और ट्विटर में, और अभी बिगो लाइव को भी मैंने ज्वाइन किया। रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है, और रियलिटी शोज की ये खास बात होती है कि वो व्यक्तित्व, मतलब पर्सनली वो जो पर्सनालिटी है वो छाकर बाहर आती है लोगों की, तो खुशी हो रही है बहुत। अच्छा, जिस तरीके से हमने आपको घर में देखा था, आप जहां आपको लगता था कि चीजें गलत हो रही है, वहां आप गलत का स्टैंड ले, गलत को गलत बोलती थी और सही चीज को सही का स्टैंड लेती थी। तो आपको जैसी आप है, जैसे आपने कहा कि रियल पर्सनालिटी आपकी दिखती है रियलिटी शो में, तो इस रियलिटी शो से ऐसी क्या चीजें थी जो आपने एज अ पर्सन अपने अंदर खुद डिस्कवर की कि अच्छा मैं ये भी हूं? मैं ये भी हूँ, मैंने ये डिस्कवर किया कि मेरे फैमिली वाले कितने कीमती हैं मेरे लिए। मैंने ये डिस्कवर किया कि फैमिली ही सब कुछ है। इनफैक्ट वो एक समय जो मैं बिता के आई हूँ, जब सैटरडे संडेज होता था तो हम एकदम लाइक उदास और डाउन होते थे और कैद होते थे ना, तो आखिर में तो घर की सफाई करते थे ऐसे दिल लगा के रखने के लिए, बिजी रखते थे अपने आप को। बट मुझे फैमिली की सच्ची कीमत मालूम पड़ी जब मैं अंदर जाके आई, और शायद मैं थोड़ा ज्यादा केयरिंग और ज्यादा कंसर्न हो गई हूँ फैमिली वालों को लेके। ये अच्छा, पारस के साथ आपका बदलाव कैसा आया है बॉन्ड मुझे। रहा? पारस के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर किया आपने घर के अंदर? दोस्त थे अच्छे स्टार्टिंग में, तो बहुत उन्होंने मुझ पे, मतलब बहुत गरजे पारस मुझ पे, बहुत बरसे मुझ पे, और मुझे भी, मेरी भी आंखें बहुत बरसी। मैं सबसे ज्यादा, अगर कोई कंटेस्टेंट उस घर में रोई है तो वो केवल मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और बहुत 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 गरजे। फिर आगे चलते चलते उनको पता चला कि है ना, ये लड़की जो भी है ये जेन्यून है, तो बाद में हम दोस्त बनने लगे, और बाद में कोरोना ने सबका दिल तोड़ दिया। कोरोना ने सबका दिल डेफिनेटली तोड़ दिया है। अच्छा, जिस तरीके से आप इस वक्त घर में अपना टाइम स्पेंड कर रही है, फैंस जानना चाहेंगे कि कैसे संजना पूरा दिन अपना घर में व्यतीत कर रही है। थोड़ा सा गिटार थोड़ा सा सीखने की गिटार कोशिश सीखने कर की रही कोशिश हूँ, कर रही हूँ। गाने गा वाओ, रही हूँ, गाने गा रही हूँ, और बिगो लाइव और नाम का एक बिगो ऐप लाइव मैंने नाम का ज्वाइन एक ऐप किया है, मैंने तो फिर ज्वाइन बिगो किया लाइव है, तो फिर में बिगो लाइव कुछ में 45 आवर्स मुझे 45 करने आवर्स हैं, मुझे करने तो वो हैं। लगातार कर रही हूँ। लगातार कर रही हूँ। काजू खा रही अच्छा, हूँ। काजू खा रही हूँ, मैं भी जस्ट अभी काजू ही खा रही थी। बट अदर जी देन दैट, जी जैसे आपने कहा बाकी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कभी कोई कुकिंग कर रहा है, कोई जिसने कभी खाना नहीं बनाया, वो लोग ऑफकोर्स खाना इस वक्त बना रहे हैं, घर के काम काज कर रहे हैं। तो क्या संजना भी इस वक्त घर के काम काज कर रही है? लकीली मेरी मेड जो है लकीली मेरे मेरी घर के मेड जो है नीचे ही मेरे घर रहती के है, नीचे ही रहती है, और मैं मैं उनको उनको बहुत बहुत अच्छा अच्छा और और बहुत अच्छा अपने अपने करीब करीब मानती मानती हूँ, हूँ, और और मुझे मुझे इन इन चीजों चीजों का का ध्यान ध्यान नहीं नहीं रखना रखना पड़ता, पड़ता, क्योंकि क्योंकि मैं मैं बहुत बहुत
मैं नहीं कर पाती हूँ उधर उस घर में. मैंने जितना जम के घर का काम किया आई थिंक मेरी पूरी जिंदगी में मैंने उतना घर का काम नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे घर के कामों को लेके बहुत झगड़े होते थे और मैं चाहती थी कि झगड़े ना हो. मैं चाहती थी झगड़े ना हो, चलो घर का काम करना मैं कर लूंगी, आई हेट इट. और उधर करने को और कुछ काम भी नहीं होता था, गुफ्तगू करो तैयार हो जाओ और फिर टाइम ही टाइम होता था बीच बीच में, तो हम कर लेते थे घर का काम. बट बाहर आने के बाद इतना सोशल मीडिया का मतलब अभी चल रहा है हाल फिलहाल कोरोना में, शायद सब घर पे बैठे, बट हमारे जैसे आर्टिस्ट बहुत बिजी है. और मुझे तो तमिल इंस्टाग्राम्स, तेलुगु इंस्टाग्राम्स और है ना देश भर के आपके जैसे है ना जानी मानी रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज चल रहे हैं. बिगो लाइव पे मैं ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स एवरी डे लाइव हूँ. जो भी मुझे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हो वो बिगो लाइव पे मेरी आईडी पे आ जाइए. कोरोना जब तक है मैं 5-6 घंटे वहाँ पे लाइव हूँ, बाद में शायद 5-6 मिनट भी ना रहूँ, पता नहीं क्या होगा. डेफिनेटली फैंस ने आपको साउथ फिल्म्स में देखा है, यू नो आपकी फिल्म्स देखी है इतनी सारी, और अब हम क्या आपको आने वाली फ्यूचर में बॉलीवुड में देख सकते हैं, क्योंकि फैंस तो अब यही चाह रहे कि आप बॉलीवुड में बहुत जल्द बहुत सारी फिल्में करते हुए देखें आपको. मैंने ये भी सुना बहुत लोग बोल रहे हैं आप बिग बॉस में दिखो नेक्स्ट वगैरह वगैरह. हाँ मैं अभी यही पूछने वाली थी. मैं थोड़ी सी पर्टिकुलर सी लड़की हूँ जी. मैं बिग बॉस में अगर मुझे मौका आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी, पर उसके अलावा फिल्मों का ये है चक्कर के है ना, अगर इफ आई गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आई डू, एवरेज फिल्म्स मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने अपना दर्जा जो है बहुत अच्छी तरह से साउथ इंडिया में बना रखा है. तो अगर मैं करूंगी तो कुछ ऐसा करूंगी जैसे मुझसे शादी करोगी जैसा है, विच विल रीच द क्लासेस एंड द मासेस. आई विल नॉट डू एनीथिंग स्मॉल, आई विल नॉट डू एनीथिंग एवरेज. भले मैं कुछ ना करूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं भी कर रही हूं तो, क्योंकि साउथ इंडिया में भगवान की दया से बहुत प्यार दिया है मुझे, बहुत रिकॉग्निशन, बहुत नाम. और अभी मेरे 5 रिलीजेस हैं साउथ इंडिया में, 2 कन्नड़ा में रिलीजेस है, तमिल में मैं अभी प्रवेश कर रही हूँ, कोडा मुंडम नाम की फिल्म है, और आईवर नाम की तमिल वेब सीरीज है जो आएगी बहुत ही बड़े एप्लीकेशन पे जो है सोनी का, सोनी लिव ऐप. और मलयालम में जन्नत नाम की फिल्म मेरी रिलीज में है, और राजपथ नाम की फिल्म मैंने साइन की है यशी फिल्म्स के साथ, जो कि भोजपुरी के नंबर 1 प्रोडक्शंस हैं, वहाँ के यशराज हैं यशी फिल्म्स. तो वहाँ पे वहाँ के A++ लिस्टर हीरो के साथ मैं अभी राजपथ फिल्म में दिखने वाली हूँ. तो काम तो चल रहा है और दिल से मैं दुआ करूंगी कि मुझे कोई अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी आए और मैं हिंदी में दिखूं. जी अच्छा, यहाँ पे एक फैन क्वेश्चन लेना चाहूंगी. सीक्रेट बताइए. कौन सी सीक्रेट? बताऊं कि आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखती हैं इस वक्त में? खा रही हूँ बस, खाए जा रही हूँ. और नाश्ते में एग्स, लंच में थोड़ा सा राइस और नॉनवेज, डिनर में भी थोड़ा सा राइस और नॉनवेज. कार्ब्स बहुत कम खाती हूँ, प्रोटीन ज्यादा खाने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइज कर लेने की कोशिश करती हूँ. मतलब मुझे डांस एरोबिक्स बहुत अच्छा लगता है तो मैं नाच गा लेती हूँ, वो भी आजकल तो लाइव ऑन करके नाच रही हूँ, गा रही हूँ. जी अच्छा, जैसे यू नो आपने अभी कहा कि भोजपुरी में भी बहुत जल्द हम आपको देखने वाले हैं, तो भोजपुरी जैसे इतने डिफरेंट वैरायटीज आप कर रहे हो, यू नो साउथ की लैंग्वेज एक बहुत ही ऑल टुगेदर अनदर लैंग्वेज है जिसको समझने के लिए जेन्युइनली आपको या तो साउथ आए या फिर आपको बहुत हार्डवर्क करके सीखना पड़ता है. तो आपने कितनी प्रेपरेशन की, कितनी मेहनत की, क्योंकि आई एम श्योर इट्स वेरी टफ, क्योंकि आप इतने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है एक साउथ का कैरेक्टर करना, फिर बिल्कुल ही ड्रास्टिकली एक भोजपुरी लड़की के कैरेक्टर पे आना, फिर एकदम ड्रास्टिकली यू नो जो एक ग्लैमरस अवतार बॉलीवुड की फिल्मों में चाहिए होता है उसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन करना, कितना कुछ डिफरेंट और डिफिकल्ट है आपके लिए ये सारी चीजें? मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ काम आता नहीं है, तो जो मैं करती हूँ वो मैं दिल लगा के बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, ताकि मुझसे अच्छी तरह से वो काम और कोई कर ही ना पाए, है ना. मैं उतना घुस जाती हूँ किसी काम में अगर मैं उस काम को एक्सेप्ट करती हूँ. और भोजपुरी फिल्म जब हम बात कर रहे हैं तो मैं जिस कोई भी इंडस्ट्री में काम करूं मेरा यह अंदाज होता है कि मैं टॉप वाले प्रोजेक्ट करूं, नंबर 1 वाला प्रोजेक्ट करूं, वो चाहे भोजपुरी हो वो चाहे हिंदी हो. जैसे मैंने मुझसे शादी करोगी और मैं आ रही हूँ 14 महीनों से मैं आ रही हूँ बॉम्बे, हर महीने में 10-12 दिन वहां पे रहती हूँ, बाकी का मेरा शूटिंग रहता है, मेरा साउथ इंडिया में ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग रहता है. तो मुझे बहुत ऑफर्स आए, 5-6 ऑफर्स, और मैं फाइनल थी, बट मेरा दिल नहीं माना कि मैं वो प्रोजेक्ट साइन करूँ. और जब मुझसे शादी करोगी आया तो ये तो ऐसा है कि है ना आंखें बंद करके इससे तो तुम साइन करो किसी भी हाल में, क्योंकि ये जो है इससे मुझे मुझे जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ये मेरे मेरे टाइप का प्लेटफॉर्म है, और ये पैमाने पे ही मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती हूँ.
तो भोजपुरी भी जो मैंने साइन किया यशी फिल्म्स के साथ, यशी फिल्म्स हर किसी को साइन नहीं करते, और पूरे फिल्म की शूट लंदन में होगी, तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे फिल्म बन रही है. और भोजपुरी जनता जो है बहुत प्यारे लोग हैं. 33 crore पीपल आर देयर इन इंडिया हु आर भोजपुरी. 130 crore जो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उसमें 33 crore वन ऑफ द हाईएस्ट, मध्य प्रदेश यूपी वगैरह वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया से वो आते हैं. और मैं वहां पे बिल्कुल नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ. और मेरा ये सपना है कि मैं हिंदुस्तान के हर पार्ट में जाऊँ, कश्मीर हो, पंजाब हो, वहाँ खेतों में जाऊँ, वहाँ पे शूट करूँ, बहुत सारा वक्त गुजारूँ. तो व्हाट बेटर वे देन शूट एंड वर्क ओवर देयर एंड ट्रैवल टू दीस प्लेसेस. तो या दिस इज इट. एंड या मैं तो कैरेक्टर में जैसे घुस जाती हूँ, मुझे और कोई काम आता नहीं है. फिल्मों के अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता है. और मैं सीख जाऊंगी हर भाषा आप मुझे. एंड मैं ये चीजें मैं चैलेंज की तरह ले लेती हूँ. मेरा गाना अभी रिलीज हुआ है जो है भोजपुरी में, पवन सिंह जी के साथ है. पवन सिंह जी, गाने का नाम है नंबर ब्लॉक चल रहा है. पूरे गाने की शूटिंग एकदम हाई बजट में दुबई में हुई थी और यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है. कुछ 6.4 million चल रहा है अभी. वाओ. सो कैसा एक्सपीरियंस था पवन सर के साथ काम करने का? बिकॉज़ ही इज अ रॉक स्टार. He's a rock star, he's a superstar. पवन जी का तो प्रोफाइल है ही. आप अगर पवन सिंह जी के सिर्फ फैन क्लब देखेंगे इंस्टाग्राम में, उनके फैन क्लब में कुछ 50,000 लोग इंस्टाग्राम में, बाहर तो करोड़ों है. फैन क्लब में 50,000 लोग, 1 lakh लोग, 1.5 lakh लोग सिर्फ फैन क्लब में, इतने लोग फैन क्लब इंस्टाग्राम में. तो उनके फैन क्लब ऐसे मतलब 20-30-40 फैन क्लब है. तो ही हैज सम क्रेजी सोशल मीडिया फॉलोइंग एंड माय Entire Instagram account was going boom जब 10 दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ, नंबर ब्लॉक चल रहा है. जी. अच्छा, जैसे आपने कहा कि यू नो ऑफ कोर्स फैंस इतना प्यार दे ही रहे हैं. मुझसे शादी करोगी कि अगर मैं बात करूं तो पारस के साथ आपने कहा कि अच्छी एक बॉन्डिंग रही है. पारस और माहिरा के रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और फिर सब उन पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे थे कि आपने क्यों ये शो किया. पारस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा था कि आपने क्यों ये शो किया अगर आपको माहिरा में ही इंटरेस्ट था. तो इस चीज पर आप कुछ कहना चाहेंगे? काफी फैंस इस चीज के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं पारस को. मुझे तो अभी देखिए, जब वो घर के अंदर थे, पारस ने एक ही बात बोली थी कि माहिरा उनकी दोस्त है. और वो ये बात बहुत सारी बार एम्फसाइज करके, मतलब स्ट्रेच कर करके बार बार उन्होंने बोला था, माहिरा मेरे दोस्त है. और मेरी नजर में उन्होंने जब वो ये चीज हमको बोली थी, तो आपको ये बात तो समझनी चाहिए कि एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं. और हमने उस बात का भरोसा किया और हम गए थे सिंगल माइंडेडली कि है ना, हम जा रहे हैं पारस छाबरा के लिए. तो मैं थी वहाँ पारस के लिए और मेरे दिल ने जो जो कहा मैंने वो हर बात की और हर बात सुनी. और अभी बाहर आने के बाद अगर ये चल रहा है तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो पारस हूँ नहीं. तो फिर ये सवाल जो है बहुत ही तगड़ा सवाल है आपने जो मुझे पूछा है. और ये आपको पारस को ही पूछना चाहिए. पारस को ही पूछना चाहिए डेफिनेटली. और अच्छा, अगर मैं बात करूँ यू नो जिस तरीके से सारे, जब मैंने मयूर से बात की, नवदीश से बात की, नवदीश ने कहा कि आप उनकी बहुत अच्छी, आपकी और उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एक. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि घर के अंदर जब आप थी, किस एक फीमेल कंटेस्टेंट से आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया? मुझे, मेरा बॉन्ड शहनाज के साथ बहुत अच्छा और स्ट्रांग था. बट अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अभी शो को खत्म हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है और 1 महीना खत्म हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सब अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हैं. और वहां पे तो चलो हम एक दूसरे के मुंह के ऊपर मंडरा रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. जैसे मैं हूँ तुम्हारी मनोरंजन, तुम हो मेरी मनोरंजन, और अकेले तो कितना टाइम कोई भी इंसान अकेले बैठेगा यार. तो वहां पे दोस्ती हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी. बट अभी बाहर आने के बाद मुझे तो लग रहा है जैसे हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है और हर कोई अपनी अपनी राह में चल चुके हैं. और हर कोई दूसरे दूसरे शहरों से आते हैं, कोई दिल्ली से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई पंजाब से है, मैं बैंगलोर से हूँ. तो कहाँ बना पाएंगे हम ऐसे बिजी सेलिब्रिटीज किसी के लिए भी वक्त? तो मेरे पास तो अभी वक्त निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है. किसी के लिए भी मैं वक्त नहीं निकाल पा रही. जी. अच्छा, जैसे अभी बात लॉकडाउन की चल रही है, यू नो जिस तरह का माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, लॉकडाउन खत्म होते ही आप सबसे पहली चीज, संजना घर से निकलते ही सबसे पहली चीज क्या करने वाली है जो आप सबसे ज्यादा मिस कर रही है? मुझे ज्यादा कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, मैं घर पे बैठी हूँ. वैसे मैं घरेलू हूँ और बोरिंग हूँ और बहुत ज्यादा काम करती हूँ. सैटरडे इवनिंग्स में अपने दोस्तों से मिलती हूँ, मेरे दोस्त घर आ जाते हैं, उनके साथ 1-2 घंटे यहाँ वहाँ मंडराने जाती हूँ.
अच्छी अच्छी जगह जाती हूँ, खाना खाती वापस आ जाती हूँ. सैटरडे या संडे में शायद बाहर जाती हूँ, नहीं तो मेरे डायरेक्टर्स जो है, मेरे प्रोड्यूसर्स जो है, हिंदी में चलो मैं नहीं हूँ तो मुझे जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए अगर वो बहुत बड़े हैं तो. बट यहाँ पे साउथ इंडिया में जहाँ तक बात है तो मैं किसी के भी ऑफिस वैसे जाती नहीं हूँ, सब मेरे घर आते हैं, वो चाहे नरेशन हो दूसरे शहर से ही हो, आते हैं मुझे घर में आके नरेशन देते हैं. और मेरा पूरा काम मेरे घर के इतर बितर ही होता है. मेरा वर्कआउट भी जो है, मैं मैक्सिमम जिम चली जाती हूँ. हाँ दोस्तों को मैं मेरे मिस कर रही हूँ लॉकडाउन की वजह से, हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं और वो हमसे नहीं मिल पा रहे, तो मैं हो सकता है मैं अपने दोस्तों से और मेरे कजिन से मिलूँ और ये जो लॉकडाउन में नहीं मिल पाए ये चीज करूँ. और उसके अलावा शूटिंग, यार कैमरा के सामने जाना है मुझे अभी तो. वैसे भी मुझे लग रहा है, देखो अभी मैंने हेयर किया, मेकअप किया, रोज मेरे इंटरव्यूज चल रही है आपके साथ, मतलब इंस्टाग्रामर्स के साथ, इंस्टाग्राम सारी जी. और बिगो लाइव में रोज मैं 4-5 घंटे हूँ लिटरली, क्योंकि आई एम किलिंग टाइम. तो हाँ, तो मुझे लगता है कि लेट्स सी व्हाट विल हैपन, जस्ट कैच अप विद फ्रेंड्स. एंड अभी हाल फिलहाल तो बस मुझे तो लग रहा है मेरा काम चल ही रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऑफ हूँ. इनफैक्ट बातें ज्यादा कर रही हूँ मैं, नहीं तो मैं थोड़ा कम बात करती क्योंकि इंटरव्यूज हो रहे हैं, बिगो पे भी आप हैं तो कंटिन्यूसली बातें ज्यादा हो रही है, आपकी इंटरेक्शन फैंस के साथ ज्यादा हो रही है. जी. अच्छा, जैसे आपने कहा यू नो कि हमने ऑफ कोर्स देखा, आपने कहा घर के अंदर सबके साथ एक डिसेंट बॉन्डिंग सबके साथ हो ही गई थी, लेकिन शहनाज के साथ कुछ अलग एक बॉन्ड था आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे शहनाज के बारे में? शहनाज एक प्यारी लड़की है, अभी फिलहाल शी इज आई थिंक शी स्टिल इन द लॉकडाउन इन बॉम्बे, आई हैव नो आइडिया. अटक गई थी वो शायद वहां पे लास्ट जब मैंने उनसे सुना था. तो हाँ, जब कोई लो होता है तो आ जाती है शहनाज रेस्क्यू में, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुश हो तब आपके साथ कौन है वो जरूरी नहीं है, बट अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप लो हो, तो तब बहुत मायने रखता है कि है ना आपका साथ कौन दे रहा है, और वो एक ऐसी लड़की है जो साथ देती है. जी. अच्छा संजना, आप फ्यूचर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइंड अप है, तो भोजपुरी तो हमने अभी, आपने भोजपुरी में भी एंटर कर लिया है, बॉलीवुड में भी आप इंशाल्लाह बहुत जल्द एंटर करने वाली है, हॉटस्टार से मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो वेब सीरीज की वजह से. जी, तो मुझे लगता है मैं वेब का ही बहुत काम करूंगी, क्योंकि आई एम अ बिग नेटफ्लिक्स हॉटस्टार फैन, मुझे अच्छा लगता है. तो अभी आई थिंक हॉटस्टार का वो वेब सीरीज डन हो जाएगा. जी. अच्छा, आपने अभी कहा कि वेब सीरीज की आप बहुत बड़ी फैन है, इस वक्त संजना कौन सी वेब सीरीज ऐसे बिंज वॉच कर रही है, जैसे हम लोग भी बिंज वॉच कर रहे हैं घर पे, आप क्या क्या देख रही हैं? 17 अप्रैल को 4 More Shots प्लीज रिलीज हो रहा है, तो वो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ. Season 2 कल रात को मैंने क्रिमिनल जस्टिस कम्प्लीट की, बहुत सारी वेब सीरीज कम्प्लीट की यार, आंखें दुख गई है देख देख के, लाइक आंखें दुख गई है देख देख के. तो अभी वही अभी एक्सरसाइज चल रहा है, ताकि आप जानो ये लीडिंग में कौन है वेब के सुपर, अभी वेब के एक्टर्स और वेब के सुपरस्टार्स तो अलग हो गए, अलग जी, तो जानो आप कौन क्या कर रहा है, किसने क्या परफॉर्मेंस की है, तो ये सब चल रहा है. अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा वेब का प्लेटफॉर्म एक अलग हो चुका है, इस वक्त आपको लगता है एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बूमिंग टाइम है, क्योंकि फिल्म्स भी हैं, इसीलिए मैं बॉम्बे आई थी, क्योंकि एक बूमिंग टाइम है, उसी चक्कर में मैं बॉम्बे आई थी, क्योंकि बॉलीवुड का हाल तो ऐसा है कि बॉलीवुड इज फुल ऑफ स्टार किड्स, अगर आप बड़ी फिल्में देखोगे तो वो ऑलरेडी कोई बड़ी एक्ट्रेस को लॉन्च करेंगे, नहीं तो वो कोई स्टार किड को उठा के लॉन्च कर लेंगे. तो जो नई टैलेंट है, जो और कहीं से आना चाह रही है, उनको बहुत दिक्कत होती है. बट अब वेब सीरीज में इतना वेब सीरीज बन रहा है, इतना वेब सीरीज बन रहा है कि कहाँ से सीनियर एक्टर्स इतने नए बच्चे पैदा करेंगे, तो वो नयों को तो अभी मौका मिलना ही पड़ेगा, है ना. तो मैं वेब सीरीज के चक्कर में ही, मैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन के चक्कर में ही बॉम्बे आई थी, क्योंकि मैं जब देख रही थी, मैं एडिक्टेड सी हूँ नेटफ्लिक्स और अमेजोन के साथ, तो जब मैं देख रही हूँ तो फिर मैं नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, तो फिर मेरा दिल करता है ना एज ए कलाकार मैं भी रहूँ फ्रेम में करके, मैं उसी चक्कर में बॉम्बे आई थी. और चलो अब सब कुछ अच्छा हो रहा है. तो कोई एक अगर कैरेक्टर आपने देखा हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये कैरेक्टर मैं कर सकती थी, या यू नो मैं जो आपकी विशलिस्ट में हूँ कि ऐसा एक कैरेक्टर मुझे करना है, ऐसी कौन सी विशलिस्ट है? बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं, जैसे डेली क्राइम में शेफाली जी का कैरेक्टर है. हाँ, शेफाली है ना उनका नाम, विपुल शाह जी की वाइफ जो. हाँ, तो डेली क्राइम में जो मेन लीड है वो, या 4 More Shots प्लीज में चारों लड़कियों का कैरेक्टर एकदम मजेदार और मस्ती वाला है, तो ऐसे कैरेक्टर्स ही मैं करना चाहूंगी. अच्छा, जितने भी मैंने अभी तक यू नो मुझसे शादी करोगे कि जितने भी सेलिब्रिटीज से बात की, सबने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम सब प्लान करेंगे, एक रियूनियन प्लान करेंगे, यू नो
तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी रियूनियन प्लान करना चाहेंगी सभी के साथ वापस से, क्योंकि सबने कहा कि यार बड़ी जल्दी जल्दी में शो खत्म हो गया क्योंकि ये लॉकडाउन चल गया और कोरोना की वजह से, बट जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा सबसे पहले हम सब एक रियूनियन करने वाले हैं। अगर मैं शहर में हूँ उस टाइम बॉम्बे में, तो मैं जरूर उनसे जाके मिलूंगी। जी अच्छा, जैसे आपने कहा कि यू नो कि बहुत मेंटेन करना पड़ता है ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपकी बहुत सारी शूटिंग्स लाइंड अप है, सारी चीजें हैं, तो किस तरीके से आप अपने रूटीन पे अपने बॉडी का ध्यान रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वर्कआउट करती हैं, किस तरीके से स्किन का ध्यान रख रही हैं स्किन इस का तो धूप की रेगुलर देर? स्केड्यूल है, लॉकडाउन हो या ना हो, स्किन का मॉइस्चराइजिंग कंपलसरी है, रात में मेकअप उतारना कंपलसरी है, ढेर सारा जी पानी ढेर पीना सारा बहुत पानी पीना बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी है। और हेल्दी और खाना हेल्दी कंपलसरी खाना है। कंपलसरी एंड है, या वो तो या रेगुलर वो तो स्केड्यूल रेगुलर है ही। स्केड्यूल है। और मुझे ऐसा और लगता है मुझे कि ऐसा लगता है फेस पे कि ना बेबी बेबी ऑयल ऑयल लगा लगा लो लो रात रात को को जब जब आप आप सो सो रहे रहे हो। हो। ये ये महंगी 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 तीन तीन चार चार पांच पांच हजार हजार की की डिजाइनर डिजाइनर थीम्स थीम्स तो, तो, जो जो मैं मैं यूज यूज करती करती थी थी पहले, पहले, जैसे जैसे एलिजाबेथ एलिजाबेथ आर्डन आर्डन क्लारेंस, क्लारेंस, मैंने मैंने बहुत बहुत पैसा पैसा वेस्ट वेस्ट किया किया है है उसमें। उसमें 3-4 थाउज़ेंड का3-4 थाउज़ेंड इतना का सा इतना ही सा ही मिलता मिलता है, है, बट बट बेबी बेबी ऑयल ऑयल जो जो है है एक एक या या दो दो स्पून स्पून आप आप बेबी बेबी ऑयल ऑयल लगा लगा लो, लो, और और क्योंकि क्योंकि क्या क्या होता होता है है 80% 80% ऑफ ऑफ योर योर मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर आपका आपका पिल्लो पिल्लो ले ले जाता जाता है है आप जब सो रहे हो रात में, तो एकदम एक्स्ट्रा राइट थिक, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयली थिक होता है थोड़ा तो होने ऑयली दो, होता है वो तो पूरा होने दो पिल्लो वो पी पूरा जाएगा, पिल्लो और पी जितना जाएगा आपको और जितना स्किन के लिए आपको जरूरत स्किन के है लिए जरूरत उतना है स्किन पे रहेगा रहेगा और और स्किन स्किन ग्लो 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 होगा। राइट। अच्छा बॉलीवुड में संजना बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, आपकी विशलिस्ट में ऐसे कोई एक्टर्स हैं, या फिर खान्स की अगर मैं बात करूँ तो किसी एक खान के साथ जिनके साथ आप डेफिनेटली काम करना चाहते हैं या स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहती हूँ? शाहरुख खान, शाहरुख शाहरुख खान, खान, शाहरुख शाहरुख खान, खान, शाहरुख शाहरुख खान, खान, शाहरुख शाहरुख खान, खान, शाहरुख खान, शाहरुख शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। तो मतलब जितने भी खान्स को मिला लो एट द एंड शाहरुख खान ही आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। शाहरुख के बारे में जिन्हें क्या बाजीगर के कहना टाइम से चाहेंगे? छाए हुए हैं। मेरे पापा के बाद अगर मुझे किसी और आदमी से मेरी जिंदगी में शिद्दत से मोहब्बत हुई थी, जी मेरे पापा के बाद मेरे पापा के डायरेक्टली बाद जब मैं डायरेक्टली बच्ची थी स्कूल में बच्ची थी, तो थी वो स्कूल में बाजीगर थी तो देख के बाजीगर शाहरुख देख खान के के साथ शाहरुख हुई थी। खान के साथ। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये शिद्दत से आप जो उन्हें चाह रही हैं तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने में लग जाए, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। तो शाहरुख के साथ किस तरह का कोई एक फिल्म शाहरुख की जिसको देखकर आपको लगा हो कि यहाँ पर शाहरुख के साथ मैं हो सकती हूँ? वैसे तो हर फिल्म में ही हर लगा फिल्म, होगा हर फिल्म मैं तो जानती भी नहीं थी मैं एग्जैक्टली हीरोइन बन जाऊंगी, exactly. हर फिल्म, हर हर फिल्म एक फिल्म देख के। राइट अच्छा, जैसे अभी आपने बोला, मेरा नेक्स्ट सवाल एक्चुअली ये था, आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, हाउ डिड एक्टिंग हैपन टू यू? ऐसे ही बस घुस गई ऐसे ही यार, बस मैं घुस गई मॉडलिंग यार, कर मैं रही थी मॉडलिंग तो कर फिर रही थी तब तो फिर तब हजारों में कमा रही हजारों में थी, कमा रही और थी मॉडलिंग भी और मॉडलिंग भी कोइंसिडेंटली मैं मेरे दोस्त के कोइंसिडेंटली साथ मेरे मॉडलिंग दोस्त एजेंसी के साथ गई। गई। मैं मेरे मैं 10th स्टैंडर्ड मेरे क्रॉस टेंथ किए थे स्टैंडर्ड मैंने, क्रॉस और किए थे मैंने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में और मैं गई मॉडलिंग इलेवेंथ स्टैंडर्ड एजेंसी, में तो मैं गई मॉडलिंग मॉडलिंग एजेंसी एजेंसी से से ही ही मुझे मुझे फिल्म फिल्म का का ऑफर ऑफर आया, आया, तो तो मॉडलिंग मॉडलिंग करने करने के के लिए लिए 10-12 हज़ार मिल रहे10-12 थे। हज़ार मिल तो रहे थे पहली फिल्म करने के पहली लिए मुझे फिल्म बोला करने के उन्होंने लिए 2 लाख मुझे देंगे, बोला मैंने उन्होंने बोला सच में 2 लाख रुपए सच में दोगे? दो ठीक लाख है दे रुपए दो, दे दोगे दो, साइन ठीक है करती दे हूँ, दो मैंने साइन पैसों करती के हूँ लिए मैंने साइन पैसों कर के लिए लिए। साइन कर लिए राइट। तो आप और उसके बाद आपको ऐसा रियलाइज हुआ दैट आई कैन बी एन एक्ट्रेस और मेरे अंदर एक्टिंग का उसके बाद टैलेंट मुझे है? रियलाइज हुआ आई कैन नॉट रियलाइज बी हुआ आई कैन एनीथिंग नॉट बी एल्स। एनीथिंग पैसों के लिए मैंने काम तो कर लिए मैंने लिया, काम तो कर और लिया मैंने और एक मैंने एक बहुत ही बहुत ही गंदी गंदी वाली वाली फिल्म फिल्म साइन साइन कर कर ली, ली, और मैं एक और ट्रैप मैं में एक घुस ट्रैप गई में जो घुस गई मर्डर का जो रीमेक था मर्डर का कन्नड़ा का, रीमेक और था मैं कन्नड़ा का, बच्ची और थी मैं 16 साल बच्ची की थी बच्ची, 16 साल की बच्ची, तो वो जो मैं तो वो भुतकी जो मैं हूँ उस भुतकी फिल्म का हूँ को उस करते फिल्म का हुए, को और करते वो हुए, जो और उस वो घटिया वाहियात घटिया गंदी वाहियात फिल्म से जो गंदी मैं फिल्म निकल से के जो यहाँ मैं तक निकल के बाहर यहाँ आई तक हूँ, बाहर आई हूँ, और जी मुझसे शादी मुझसे करोगी एक शादी एंडमॉल के करोगी शो एक तक एंडमॉल पहुंची के हूँ, शो और तक बाहुबली पहुंची के हूँ, और प्रोड्यूसर्स बाहुबली के के साथ प्रोड्यूसर्स मैंने स्वर्ण खड़गम के साथ किया मैंने है, स्वर्ण 112 एपिसोड का, खड़गम तो किया मैंने है, देश 112 में एपिसोड जो का, तो मैंने सबसे देश में जो बड़ी सबसे शोज हैं, बड़ी शोज हैं मैं वो मैं वाहियात वो सी फिल्म वाहियात से सी लेके फिल्म से यहाँ लेके तक जैसे यहाँ तक पहुंची हूँ, जैसे और कोई पहुंची हूँ, आर्टिस्ट और में कोई दावे से आर्टिस्ट बोल में सकती दावे कोई से बोल पहुंच सकती नहीं कोई सकता, पहुंच नहीं सकता। इट्स जी इम्पॉसिबल, इट्स बिकॉज वंस इम्पॉसिबल, यू डू अ बिकॉज शिटी वंस यू फिल्म डू अ ना, यू शिटी आर फिल्म ना, यू आर टाइपकास्टेड फॉर अ टाइप लाइफ कास्ट टाइम। फॉर अ लाइफ टाइम राइट। तो द फियर ऑफ मैंने टाइप बहुत कास्ट इज ऑलवेज देयर टाइप कास्ट इज देयर, बट टाइप मैंने कास्ट हर एक टाइप हर कास्ट एक को टाइप तोड़ा है, कास्ट को मैंने तोड़ा मेरा है रास्ता मैंने खुद ही मेरा बनाया है, रास्ता और खुद ही ये मैं बनाया है फक्र और से ये मैं बोलती हूँ, फक्र सिमना से ठोक बोलती के, हूँ कि सिमना मेहनत ठोक और के कि मेहनत शायरी और किसी ने की शायरी होगी। किसी ने की होगी। अच्छा यहाँ पे आई थिंक एक फैन ने जो सवाल पूछा है उसका आंसर ऑलरेडी आपने दे दिया है कि रेडी 46 ने पूछा है कि व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग यू रिग्रेटेड, तो अभी मुझे लगता है आपने जो स्टोरी बताई है मर्डर की वो ही एक चीज है जो आप रिग्रेट मर्डर करते था होंगे। वो, लिटरली फिजिकल मर्डर। मेरे को तो ये भी लगता था जब मैं 16 साल की थी कि मैं नस काट के मर जाऊं, मैंने क्यों की ये फिल्म, तो जी उधर तक मेरा रिग्रेशन गया। बाद में मैंने सोचा बेटा तू मर या तू जी, मर अगर या तू तू जिएगी जिएगी तो फिर तो फिर जी के दिखा जी के सबको, दिखा मतलब सबको जीत के दिखा जीत सबको, के दिखा तो फिर मैं सबको जीत के राइट। दिखाया मैंने। तो संजना गलरानी को अगर अपनी खुद की जर्नी को एक सेंटेंस में यू नो शॉर्ट डाउन करना हो तो खुद की जर्नी शुरू से लेकर अब तक जहां तक जिस मुकाम तक आप पहुंची हैं, बहुत लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम को आप कैसे समराइज करेंगी एक स्टेटमेंट में? एक स्टेटमेंट में तो एक मुश्किल है, स्टेटमेंट मैं में राइटर मुश्किल है हूँ, मैं राइटर हूँ।
द बेस्ट वॉरियर रहेगा मेरे स्टोरी का टाइटल, जो मर्डर के बाद वापस जिंदा हुई. हाँ, लिटरली फिजिकल मेंटल हर काइंड ऑफ मर्डर, हर एक टाइप का मर्डर. अच्छा, अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है एज एन एक्ट्रेस? आपको कौन सा जॉनर सबसे ज्यादा कॉमेडी अच्छी लगती है? यार मजा आता है बहुत. लाइक अगर एंटरटेन हम अगर देखते हैं टेलीविजन वेब कुछ भी, हम वी सी टू हैव अ गुड टाइम. तो अभी वेब तो फिलहाल बहुत एक डार्क स्पेस में चल रहा है, बट मुझे मस्ती मजाक लुच्चागिरी कॉमेडी लुखागिरी ये सब अच्छा लगता है. जैसे गरम मसाला जैसी फिल्में या जैसे एकदम फनी लाइक डम एंड द डम, जैसे फोर मोर शॉट्स प्लीज, चार मिर्ची लड़कों की कहानी है वो, तो वैसे मस्ती खोरों की कहानी जैसे एकदम कॉमेडी और एकदम बकवास कॉमेडी और बैठ के बस हंसते जाओ लाइक गिर के पागल. जैसे ड्रीम गर्ल जैसी फिल्म, गोलमाल जैसी फिल्म जहाँ कारें उड़ रही हैं बेमतलब बट लोग हंस रहे हैं, तो मुझे वैसी फिल्में अच्छी लगती है. राइट, यहाँ पे एक फैन ने कमेंट किया है देवशीष ने, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यू हैव नाइस आईब्रोज एंड संजना यू मेक मी स्माइल. आपकी आईब्रोज पे भी लोगों की फोकस है, अभी आप देख रहे हो कितना प्यार है मतलब लोगों को आपसे, कि हर चीज पे फोकस जा रहा है, स्माइल से लेकर आईब्रोज से लेकर हर चीज पे फोकस जा रहा है. संजना, फैंस जितने भी फैंस आज तक आपके बने हैं, क्या कुछ एक मैसेज अगर फैंस को देना चाहेंगे आपको, क्या मैसेज होगा? मेरे साथ इंस्टाग्राम में बने रहिए, नया नया बिगो लाइव में मैंने प्रवेश किया है, वहाँ पे भी आइए मेरे साथ बने रहिए. मुझे मेरे फैंस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. हेलो एप्लीकेशन में कुछ 2 मिलियन फैन हो गए हैं, जो है 20 लाख. फेसबुक में कुछ 25 लाख फैन हो गए हैं, और आजकल इंस्टाग्राम में हम लोग जोर लगा रहे हैं. पता नहीं ये लाइव ठीक से अच्छी तरह से चलता नहीं है, क्योंकि लाइव इज नॉट अलाउड इन इंस्टाग्राम, क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज किया है, जैसे कुछ वल्गैरिटी या कुछ कुछ दिखाते, तो फिर ये बहुत ही सटल ऑप्शन है. बट स्टिल इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ बने रहिए. हेलो एप्लीकेशन पे आज मेरा लाइव डांस एरोबिक्स होने वाला है, जो है 7 PM इन द इवनिंग. मेरी जुम्बा ट्रेनर भी मुझे ज्वाइन कर रही है, तो मेरे फेसबुक पे लाइव होंगी, हेलो पे लाइव होंगी 7 बजे को, और बिगो पे सभी कैमरा से लगे होंगे, और हमारा डांस क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो है डांस एरोबिक्स सबको एनर्जाइज करने के लिए, कि आओ और हमारे साथ उस तरफ आप डांस एरोबिक्स करो, और बेसिक स्टेप्स होंगे जो आप भी कर पाए, तो आइए और ढेर सारी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे. जी, सो थैंक यू सो मच संजना, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, अपने कीमती यू नो समय में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, एंड स्पेशली क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि जो हम टाइम डिसाइड करते हैं फैंस उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाते, लेकिन ये इंटरव्यू गाइस आप टेंशन मत लीजिए, आपकी फेवरेट संजना का ये जो इंटरव्यू है ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड हो जाएगा. जो लोग इस वक्त नहीं ज्वाइन कर पाए वो आराम से ये इंटरव्यू बाद में देख सकते हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप आगे चलकर भी ये सारे क्वेश्चन संजना को पूछ सकते हैं उनके लाइव पर, जो कि वो बीगो पे जाने वाली है कुछ देर बाद. सो थैंक यू सो मच संजना. और जब इंटरव्यू में मेरा नाम लिखना, जो इंस्टाग्राम में मेरा स्पेलिंग है डबल जी, थैंक यू सो मच संजना फॉर टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आल्सो. थैंक यू, टेक केयर. थैंक्स. ये ना तो ये थी हमारे साथ संजना गलरानी, जिनको आपने मुझसे शादी करोगी के घर में देखा है. सो गाइज, ये इंटरव्यू अपलोड हो जाएगा हमारे जो यूट्यूब पेज है मूवीज अड्डा का, उस पर जाइए और यहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि कल भी बहुत सारे इंटरव्यूज मैं लेकर आने वाली हूँ इसी तरीके सेलिब्रिटीज के साथ. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, और हमारा जो मूवीज अड्डा का इंस्टाग्राम पेज है जिस पर अभी आप ये लाइव देख रहे हैं, इसको भी फॉलो कीजिए. बॉलीवुड से रिलेटेड हर अपडेट इस पर सबसे पहले आती है, तो फॉलो करना मत भूलिएगा. दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ, एंड आई कांट प्रोनाउंस दैट, बट फॉर डी से इफ आई एम सेइंग इट राइट, यू आर सेइंग गुड जॉब विद द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज में और भी लेकर आती रहूं. बट गाइज, आई एम अगेन सेइंग, बहुत इंटरव्यूज ऑलरेडी यूट्यूब पर है, प्लीज गो.